एडोप में दे देंगे आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा चेंजेस किया है कंटेंट पे, वीडियो के कंटेंट पे थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो काफ़ी फेथफुल चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको जो काफ़ी फेथफुल और ईमानदार है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड पे और बैनर पे आपको दिख रहा होगा जब पेट नेशन शॉप एंड क्लिनिक। तो आज मैं आपको दिखाने वाला प्यारे प्यारे से और काफ़ी एग्रेसिव डेंजरस काफ़ी मतलब वेराइटी के डॉग्स। तो चलिए अंदर जाते हैं, भैया से मिलते हैं और लेते हैं इंट्रोडक्शन भैया का और पूछते हैं क्या क्या प्राइस का और कौन कौन से ब्रीड का आपका डॉग मिलेगा और एड्रेस भी पूछते हैं। तो हेलो, दिस इज मी सूरज प्रसाद शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल SPS 93 व्लॉग्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये दिखाते हैं आपको, पहले भैया से इंट्रोड्यूस करते हैं द पेट नेशन सोप एंड क्लिनिक, सोप एंड क्लिनिक के ओनर से। तो भैया साहब पहले भैया का इंट्रोडक्शन ले लेते। तो शुरू करने से पहले भैया आपको पहले गुड नेम बता दीजिए। मेरा नाम है अमृत सिन्हा। हाँ। और मेरा जो क्लिनिक है वो है दी पेट नेशन सोप एंड क्लिनिक के नाम पे रजिस्ट्रेशन है और जो एड्रेस है आपका दी पेट नेशन सोप एंड क्लिनिक का रूपनगर रूपाली पथ में। और गूगल पे भी मैप, गूगल मैप में आप सर्च कर सकते हैं दी पेट नेशन सोप एंड क्लिनिक के नाम पे। और फिर भी अगर आप लोग को तकलीफ होता है लोकेशन, अगर आपको मतलब एग्जैक्टली तकलीफ होता है ढूंढने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन नीचे भैया का नंबर दे देंगे और स्क्रीन पे फ्लैश करा देंगे, आप नंबर देख सकते हैं। वहाँ से अगर आपको कांटेक्ट करेगा तो भैया आप आसपास कहीं होगा तो जाके लेके आ जाएंगे उनको। तो कितने मतलब अभी अभी प्रेजेंट आपके पास कितने ब्रीड? मेरा पास जो ब्रीड है डॉबरमैन है। हाँ। आपका पास और अमेरिकन बुली है। हाँ। जर्मन शेफर्ड है और लेब्राडोर है। लेब्राडोर है। हाँ। तो ये सब का मतलब दिखाएंगे एक एक करके जो जो भैया के पास ब्रीड है। फिर भी एक लाइटली पूछते हैं एक एस्टिमेटेड प्राइस क्या होगा भैया इन सब का? लेब्राडोर का बहुत क्वालिटी है, जैसे हाँ। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था, एक पेट्स क्वालिटी और सो क्वालिटी, हैवी क्वालिटी, तो अलग अलग वेरिएशन के जैसे क्वालिटी के ऊपर रेट है। हाँ। अभी आपको पेट्स क्वालिटी में आपको 14-15 में आपको मिल जाएगा लेब्राडोर, 15 में लेब्राडोर मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर उससे थोड़ा सा हैवी जाएंगे 19-20 तक मिल जाएगा। हाँ। उससे और भी हैवी में जाएंगे तो वो 30 प्लस करेगा विद पेपर, केसीआर जीएसटी बिल के साथ देंगे। हाँ, वो है सर्टिफाइड कैनल क्लब ऑफ इंडिया से जो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड विद माइक्रोचिप मिलेगा 42-45,000 के। माइक्रोचिप मतलब क्या भैया? ये आपका एक जीपीएस टाइप का एक चिप रहता है जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया देता है। हाँ। उसका जो आपका सर्टिफिकेट है। हाँ। जो उसका जनरेशन है, जो ये अगर ये बच्चा है इसका फादर मदर कौन है, उसका फादर मदर कौन है, मतलब एक जेन्युइनिटी पता। हाँ, करने के लिए कि हाँ एक्चुअल में ओरिजिनल ब्रीड है कि नहीं, तो वो सर्टिफाइड रहता है आपको कैनल क्लब ऑफ इंडिया। उसके बाद उसका एक माइक्रोचिप रहता है। हाँ, वो माइक्रोचिप यहाँ पे गन करके दिया जाता है और उसको आप अगर है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं आपका डॉग कहाँ पर भी है, मतलब इन केस ऑफ लॉस्ट मतलब गुम हो गया था तो आप मतलब ट्रेस करके ले सकते हैं। तो काफी अच्छा टेक्नोलॉजी और काफी अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए भैया ने। तो नेक्स्ट ब्रीड कौन सा होगा उसका थोड़ा एक दो चार का अगर नेक्स्ट? अभी मेरा अपकमिंग है आपका जीएसटी, जस्ट रिसेंटली अभी 20 डेज का ही हुआ है जर्मन शेफर्ड डबल कोटेड का। हाँ। वो आफ्टर 45 डेज होने का बाद ही मैं उसको मार्केट पे लाऊंगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। डबल कोटेड है, अच्छा प्राइस, अच्छा रिजनेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा, 20-24-25 इस तरह से आपको मिल जाएगा डबल कोटेड में। डबल कोटेड जी। तो मतलब अगर कोई भी ब्रीड अगर जैसे आपके मतलब आपके कलेक्शन से बाहर है, अगर वो ब्रीड चाहिए व्यूअर को मतलब एज ए कस्टमर को चाहिए कि भैया मेरे को ये ब्रीड चाहिए, तो आप मतलब इधर उधर से ढूंढ के ला सकते हो? हाँ, हमारा क्या है, जो भी है ब्रीडर है जान पहचान, आपको कोई भी ब्रीड चाहिए मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, बट आपको बुक करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको ब्रीड मिलेगा। तो ठीक है, मतलब व्हाट्सएप में फोटो देके या वीडियो देके आप दिखा सकते हैं ना क्वालिटी कैसा है? तो चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। अभी भैया के पास जो एट प्रेजेंट पे भैया के पास जो ब्रीड है वो हम दिखाते हैं और जो नहीं है वो भैया ने बोल दिया, जैसे कि आपको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा तो भैया आपको ढूंढ के कहीं से भी मैनेज करके लाके दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो आरसी बोले ना भैया, ये मतलब क्या, कौन सा? ये सर्टिफाइड है, ये केसीआर का जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया से एक शो किया जाता है, ऑल इंडिया बेसिस पे शो होता है, हर स्टेट पे होता है, तो उसी लेवल पे ये आरसी ले चुका है जब ये 9 मंथ का। और अभी का कितना हो गया इसका? अभी इसका 3 साल हो गया। 3 साल। ये ट्रेन है ना, फुली ट्रेन है? फुली ट्रेन है। और ये सेट देख सकते हैं आप यहाँ पे, सेट बैठ गया। गुड। तो ये आरसी ट्रेन है और आरसी विनर है।
जो एशिया का मतलब उससे आगे और भी है कि सीसी अगर आरसी लेने का बाद उसके बाद अगर यहाँ पे शो होता शायद ये चैंपियन के लिए हो जाता। और जो आरसी बोले वो फुल्ली पूरा एशिया कॉन्टिनेंट पे ना, ऑल ओवर इंडिया? नहीं, ऑल ओवर इंडिया पे, ऑल ओवर इंडिया पे। गुवाहाटी में हुआ है सी, हाँ गुवाहाटी कैनल क्लब ऑफ इंडिया का जो शो है उसमें हुआ है। कब हुआ था भैया? ये आपका जब ये 9 मंथ हुआ था 2018 में हुआ था। 2018 तब का ये गोल्ड मेडलिस्ट विनर है। हाँ, आरसी लीग जो की फुल्ली ट्रेन है, देख ही सकते आप। और थोड़ी देर पहले भैया ने दिखाया था की बैठ के हैंडशेक। और आपको अगर ट्रेनिंग देना है आपके डॉग्स के तो भैया के यहाँ आ सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। बाकी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके और वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। ये है अमेरिकन बुली, द पिटबुल को, पिटबुल और इंग्लिश बुलडॉग को क्रॉस करके, हाँ क्यों उसको फिर ब्रीडिंग किया गया अमेरिकन पिटबुल, अमेरिकन बुली कैनल, कैनल क्लब ने इसको फिर अमेरिकन बुली करके उसको रजिस्ट्रेशन करके 1980 में इसका नाम दिया गया। 1918 और इंग्लिश बुलडॉग मिल के अमेरिकन बुली बनाया। और पिटबुल तो अलाउड नहीं है ना सेल के लिए, ये अलाउड है अमेरिकन बुली, अमेरिकन बुली अलाउड है। और ये अमेरिकन बुली का आपका 4 कैटेगरी है, एक है पॉकेट साइज, स्टैंडर्ड साइज, क्लासिक साइज एंड एक्शन साइज। ये आपका स्टैंडर्ड साइज का है, इससे भी छोटा है वो पॉकेट साइज है, इससे थोड़ा सा आगे क्लासिक साइज, उससे आगे है एक्शन साइज, वो बड़ा होता है, अपना बड़ा होता है। ये कौन सा होगा भैया? ये है आपका लैब्राडोर। हाँ, लैब्राडोर का बहुत साइज, बहुत क्वालिटी है, पेट साइज और उसके बाद आपका सो क्वालिटी, हैवी क्वालिटी, सो क्वालिटी में इससे भी हैवी होगा। और ये है सिर्फ आपका पेट क्वालिटी है, ये हैवी भी नहीं है, सो क्वालिटी भी नहीं है, बट आप घर में रख सकते हैं एक लैब्राडोर बोल के। लैब्राडोर का खासियत क्या है देखने के लिए, सबसे पहला पहचान इसका जो जो है दोनों नीचे होना चाहिए। हाँ, उसका जो ईयर है, हाँ, फोरहेड में पूरा चिपका हुआ होना चाहिए, और साथ में उसका जो टेल्स है शॉर्ट होना चाहिए, जो इसका नी से नीचे नहीं आना चाहिए। ये है लैब्राडोर का पहचान। ओके, तो इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा? इसका प्राइस अबाउट 19K पड़ जाएगा, 19K। तो बच्चा का ना, बच्चे का, तो छोटा सा। और इसका जो बच्चा है जिसका, ये है आपका अमेरिकन बुली, अमेरिकन बुली ये कलर का आपको 50,000 तक पड़ेगा। 50,000 बच्चा का? बच्चे का। और ये तो इसी का माँ है क्या? नहीं, ये नहीं है माँ, इसका माँ अलग है। और जो उस टाइम आपने दिखाया था जो है, उसका रिसेंटली अभी बच्चा होने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा आफ्टर 2 मंथ, आपको बच्चा मिल जाएगा डॉवरमैन। उसका क्या रहेगा? उसका आपका 35,000 से स्टार्ट है। 35,000 से स्टार्ट है। हम लोग का अवेलेबल है, ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, क्रेसेस भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, होम विजिट भी आपको डॉक्टर्स अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन डिलीवरी होता है? ऑनलाइन डिलीवरी होता है। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ है प्रोडक्ट चाहिए, आपको होम डिलीवरी किया जाएगा। मतलब ये आउट ऑफ आसाम होगा? आउट ऑफ आसाम भी जाता है, आउट ऑफ आसाम भी मिलेगा डॉक्टर। तो डॉक्टर मतलब होम विजिट भी अगर इधर से फोन करेगा तो आ जाएगा ना मिलने? बाकी इधर डॉक्टर भी मिल जाएगा? डॉक्टर का कोई टाइमिंग होगा? डॉक्टर का टाइमिंग है, और डॉक्टर का टाइमिंग है आपका इवनिंग 6 से 8 तक। हाँ, उसके बाद यहाँ पे ग्रूमिंग वगैरह किया जाता है, ग्रूमिंग भी होता है मतलब। और दीदी ने कुछ बोला था जो अगर जो कहीं बाहर जा रहा आदमी अगर उसको डॉग रखना है वही क्रेश के लिए, क्रेश भी है, तो उसका थोड़ा डिटेल दीजिए भैया, चार्जेस क्या है? क्रेश में है हम लोग पर डे 500 करके ले रहे हैं, पर डे। अगर विथ एसी चाहिए तो आपको 800 तक पड़ेगा, विदाउट एसी आपको 500 पड़ेगा। तो उसमें हम लोग का क्या रहता है, मील रहता है हम लोग का, फ्री टाइम मील रहता है। उसके बाद जो भी आपका अगर डॉग का कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, तो ओनर का ही है, वो हम लोग का ऊपर नहीं है, वो ओनर। अगर मतलब आपके यहाँ पे रहते वक्त कुछ हो गया तो मतलब आप उसका कोई भी बियर नहीं करेगा, जो ऑनर है उसी का रिस्क है। प्रॉब्लम क्या है, लिविंग ऑर्गन की है। हाँ, तो इसमें क्या है, हम गारंटी नहीं दे सकते, कभी भी बीमार हो सकता है, हम भी हो सकता है, मैं अभी अगर कहीं हॉस्टल में हुआ, कहीं रह गया, तभी मैं भी बीमार हो सकता हूँ। हाँ, तो मैं तो हॉस्टल वाला को तो आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। और कोई भी ब्रीड रख लेगा, मतलब रख सकता है। और कुछ एनजीओ टाइप भी बोला था? एनजीओ क्या है, एनजीओ है हम लोग का एक जो पीपल फॉर एनिमल्स करके है, वो तो सबको पता है, यहाँ पे जो फेमस है सबसे, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी अगर किसी को देना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रेस्क्यू के लिए भी हम हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ये मैंने एक्चुअली इसका ओनर जो है एग्रेसिव के कारण नहीं सकता था, तो मुझे अडॉप्शन के लिए दिया। तो आफ्टर मैं अडॉप्ट करने के बाद ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद इसके एग्रेसिव अभी है ही नहीं। तो ये मेल है ना फीमेल है? ये मेल है। मेल है तो इसका बच्चा भी आपके पास मिलेगा? मिलेगा, ये जर्मन शेफर्ड का मेरे पास एक फीमेल भी है, डबल कोटेड। ये डबल कोटेड मेल है, अभी इसका ब्रीडिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कितना से आपका प्राइस स्टार्ट होगा? प्राइस स्टार्ट होगा 25,000 से इसका पप्पी स्टार्ट होगा। 25,000 से? जी। ये कौन सा बोला भैया? कौन सा? बद्री। ये कलर वेरिएशन पे? कलर वेरिएशन आपको ग्रीन भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, दो कलर वेरिएंट है। तो इसका कितना आस्किंग है? ये आपका पीयर 600 तक, पीयर 600 तक देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट ये हो गया फॉन्टे, ये पीकॉक जैसे डिजाइन है। हाँ, पीकॉक जैसे डिजाइन है, बट पिजन है ये। पिजन है तो इसकी ये कितना इसका प्राइस? इसका पीयर आपका 5,000 में आएगा, पीयर 5,000। बाकी और भी बर्ड्स मिलेंगे ना? बस और भी बर्ड, जो बर्ड आपको मिलेगा चाहिए वो मिलेगा आपको, लव बर्ड वो भी मिलेगा। लव बर्ड्स जो भी मतलब आपको चाहिए तो आप भैया से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपको और भी कलेक्शन देखना है तो भैया का नया कलेक्शन भी आ रहा है भैया, मतलब आप फिर ब्रीड भी ला रहे हो, तो कमेंट कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए कि आपको और देखना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट विजिट फिर से करूंगा मैं भैया के पास, और नए नए कलेक्शन जो ब्रीड है वो आपको दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं भैया से, जो कि भैया ने बोला था कि ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या प्राइस रहेगा और कितने मंथ का ट्रेनिंग है और कैसा ट्रेनिंग है, तो भैया से थोड़ा पूछ लेते। भैया थोड़ा बोल दीजिए। तो ट्रेनिंग में हम लोग का दो स्कीम है, जैसे लेबराडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, वो क्या होता है आपका फ्यूरिसस नहीं होता है, तो वो फैमिलियर होता है, लेकिन उसको ओबीडियंट करना है बहुत। ऑनर क्या होता है, उसको ओबीडियंट नहीं होने की वजह से उसको प्रॉब्लम होता है, कहीं गेस्ट आता है तो उसके ऊपर जंप करता है, तो उसी ये सब चीज़ से थोड़ा सा ओबीडियंट लाने के लिए उसके लिए हम लोग सिर्फ 1 month ट्रेनिंग देते हैं। वन मंथ वीकली 4 days होता है, 30 to 45 minutes तक पर डे होता है, जो मतलब वीकली में जो डे होता है उसमें 30 to 45 days का ट्रेनिंग होता है, वो है आपका सिर्फ ओबीडियंट ट्रेनिंग के लिए। अगर कोई डॉग ग्रोथ भी नहीं है, उसके बाद जो फ्यूरिसस डॉग है, गवर्नमेंट है, जर्मन शेफर्ड है, एग्रेसिव है, तो उसको क्या करते हैं, उसको 3 months तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वीकली 3 days करके। वो इसलिए है क्योंकि उनको एक्सरसाइज जरूरी है, वो डॉग है एनर्जेटिक डॉग, उनको एक्सरसाइज भगाने के लिए चाहिए, भागने के लिए, उसका वर्म्स खोलने के लिए चाहिए, तभी जाके वो कैच करता है जो भी आपका आप वर्ड बोलोगे वो कैच करता है, तो उसी हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है 3 months तक। तो दो तब तो हिसाब से मतलब दो है ना, दो कैटेगरी है आपको ट्रेनिंग के, एक 1 month वीकली डेज पे होगा और 3 months का भी वीकली डेज 3 days ही नहीं होगा। तो 1 month का अगर कोई करना चाहता है तो क्या चार्जेस? तो 1 month का ऐसा चार्ज है, हम ओनर के पास जाके ट्रेन करता है, हमारे पास रख के इसलिए नहीं करते, हम तो ट्रेन कर देंगे, 1 महीना हमारे पास रहेगा, हम वो ट्रेन कर देंगे, बट ओनर अगर वहाँ अगर जाके नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो उस ट्रेनिंग का मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपका पप्पी है आपको ओनर को पहचानना पड़ेगा, ये मेरा ओनर है, इसका बात मुझे मानना है, तो हम ट्रेन कराएंगे, सिर्फ ट्रिक्स देंगे उसको, दिमाग में डॉग के दिमाग को पढ़ के हम उसको सिर्फ डालना है जो ये करना है, ये नहीं करना है, पर उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के ऊपर ज़्यादातर जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस ओनर को ही कराना है, ट्रिक्स हम सिखाएंगे, ठीक है। तो उसका जो 1 month का जो है जो ट्रेनिंग है, उसका आपका 12 to 15,000 होता है एज पर लोकेशन, मेरे लोकेशन से ट्रेनर जो ट्रेनर के ट्रेनिंग का लोकेशन है उसका हम देखते हैं कितना दूर है, तो उसका 12 to 15,000 का बीच में, और जो 3 month जो 3 month का है वो 6,000 है, 6,000 पर मंथ। और ट्रेनिंग होता है आपका 4 months से स्टार्ट है, जो पप्पी का, जब पप्पी का 4 months होगा तभी से हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले नहीं, उससे पहले। और एज मतलब कितना बड़ा होने जब तक ट्रेनिंग होता है, उसके बाद मतलब नहीं होता है? एक साल होने के बाद डॉग ट्रेन नहीं होता है, नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत डॉग है क्या बाद में, वो जैसे लैब हो गया वो धीरे 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 1 साल के बाद भी थोड़ा बहुत मान लेता है, बट जो फ्यूरिसस डॉग है उसको तो देना ही देना चाहिए, 1 month कैसे भी डॉग ट्रेन कराना ही चाहिए, क्योंकि बाद में अभी मैंने एक जीएसडी दिखाया, क्योंकि उनको ट्रेन किया नहीं था, उन्होंने खुद ही ट्रेन नहीं किया, अभी उसके घर में अटैक कर रहा है, अभी लास्ट में मेरे पास एडॉप्शन को लेकर मतलब घर का आदमी को काट रहा है, तो वो क्या होता है, ट्रेन का फेलियर है,
ट्रेनिंग नहीं करा सकते। ट्रेनिंग काफी जरूरी है, जरूरी है जो कोई भी ब्रीड हो। हाँ, आप भी सेफ रहे, घर वालों को भी सेफ रखे, प्लस जो बाहर के आदमी आते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, अगर एग्रेसिव होगा तो उनको भी काट सकता है, रिस्क होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। बाकी वीडियो को अच्छा लगा तो बस सब्सक्राइब कर दो, जैसे प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देते रहो, और नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।